अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? इतना सुनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल सही हूँ। कुक फ्रॉम होम में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें आपकी सपोर्ट ज़रूरत है। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, जो मेरी वीडियो है आप एंड तक देखिए, मुझे शेयर करना भी मत भूलिए। दोस्तों आज मामा बनानी है चिकन बिरयानी, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। व्यूअर्स आज मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी, और मेरी आपसे गुजारिश है प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और प्लीज़ मेरी वीडियो जो है एंड तक देखें। चले बनाते हैं चिकन बिरयानी। इसके लिए मुझे चाहिए दही 1 पाव, बिरयानी मसाला, आलू बुखारे हैं, नींबू हैं काटे हुए 2 अदद, नमक, हल्दी, मिर्चें, चिकन है, और ये मैंने टमाटर काटे हुए हैं, सब्ज़ धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट। व्यूअर्स मैंने ऑयल इसमें गरम करने रख दिया था, मिट्टी के कढ़ाई में आपको पता है ऑयल टाइम लेता है गरम, और प्याज जो मैंने 2 अदद चॉप कर लिए हैं। प्याज को हम घी में फ्राई करते हैं। व्यूअर्स देखिए हमारी मिट्टी की कढ़ाई जो है गर्म हो गई, अब इसमें प्याज ब्राउन पकने लग गया है। जैसे ही हल्का सा ब्राउन होगा इसमें हम चिकन डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल कर भून कर, फिर टमाटर डाल के, मसाले डाल के हम दम पे रखेंगे। थोड़ा सा वो प्याज ब्राउन करके फिर इसमें चिकन डालेंगे। व्यूअर्स देखें प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करके इसमें हम डालेंगे चिकन। चिकन को आप इस प्याज में भूनेंगे। अब इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें अच्छी तरह से पकाएंगे चिकन को, अदरक और लहसुन में। चिकन मैंने लहसुन अदरक में भून लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, मिर्चें और नमक। नमक मैं हल्का डालूंगी, क्यों राइस में भी मैंने डाला और बिरयानी मसाले में भी होता है। अब इसमें ये डाल दूंगी टमाटर। व्यूअर्स अब मैं इसमें टमाटर डाल दिया और इसे दम पे रखूँगी। टमाटर गलते हैं, फिर इसमें मैं बिरयानी मसाला और दही डाल दूँगी, फिर उसमें अच्छी तरह से भूनूँगी। इतनी देर में हमारे टमाटर और प्याज जो है वो भी अच्छी तरह से गल जाएगा। व्यूअर्स देखें हमारे टमाटर जो है गल गए हैं। अब मैं इसमें आलू बुखारे डालती हूँ, 5 से 6 अदर आलू बुखारे हैं, और इसमें पकाती हूँ। फिर इसमें मैं दही डालती हूँ, ये बिरयानी मसाला भी डाल दिया मैंने इसमें। व्यूअर्स
मैंने इसमें तकरीबन एक प्याली के करीब दही डाल दिया। बिरयानी मसाला हमारा तकरीबन भूनने को तैयार है, इसे 5 मिनट तक और भूनेंगे फिर इसमें चावलों की तह लगाएंगे। देखिए व्यूअर्स कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ करके चावलों की तह बनाऊंगी। फ्लेम इसका ऑफ करते हैं। अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया हरी मिर्चें डालूंगी, लेमन स्लाइस रखूंगी, इसके ऊपर फिर मैं चावल लगाऊंगी। व्यूअर्स अब इसे दम पे रखते हैं लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम के लिए 10 से 15 मिनट। व्यूअर्स देखिए हमारी बिरयानी जो दम पे लग गई है, मैं इसे मिक्स करती हूँ। व्यूअर्स देखिए हमारी बिरयानी तैयार है और इसके साथ मेरी बच्चियाँ जो जीरे वाला रायता लेती हैं, सलाद वाला नहीं लेती हैं, और गर्मा गर्म बिरयानी तैयार है। आइए आप भी खाइए, हमें बताएं कैसी बनी है। प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। हमें कब तक के लिए इजाज़त है, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो फुल देखें। और कल तक के लिए हमें इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।